दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर काफ़ी पर्सन को एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लॉगिन नहीं हो रहा है और वहाँ पर उनसे सिक्योरिटी कोड डालने के लिए बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालें, उसके बाद में आपका ये जो अकाउंट होगा वो लॉगिन होगा। बराबर में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस उनको देखने को मिल रहा है जिसमें वो यहाँ पर जो है कोड को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर पर कोड रिसीव नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो कोड है वो क्यों रिसीव नहीं हो रहा है और इस कोड को हम कैसे ले सकते हैं और उसके बाद में अपने अकाउंट को हम कैसे यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हो और आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो मेरी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। वीडियो के अंदर जो आपको बताया जाएगा तरीका उसको आपको फॉलो करना है और उसके बाद में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसेस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको कोड रिसीव नहीं हो रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए जो कि आप उसको लॉगिन कर सकें। सिक्योरिटी कोड जो होता है जब तक हम वो नहीं डालते हैं तब तक हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बता दूँ पहले, उसके बाद में जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो जो है आप ये देखिए कि जो मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया है वो मोबाइल नंबर कहाँ है, आप ही के फ़ोन के अंदर है या फिर फैमिली मेंबर के फ़ोन के अंदर है कहीं पर, या वो नंबर जो है वो बंद हो गया है या फिर जो है उस नंबर के अंदर रिचार्ज है या फिर नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो नंबर जो है चालू है हमारे फ़ोन के अंदर है और उस पर बस OTP नहीं आ रहा है और उसके अंदर रिचार्ज भी अवेलेबल है, आपने उसमें रिचार्ज भी करा रखा है और उसके बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा। आपको करना होगा अपने सेटिंग के अंदर जा कर के क्लियर डाटा क्लियर कैसे करना होगा इंस्टाग्राम का, और वहाँ पर परमिशंस को अलाउ करना होगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जो है मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया है कि किस तरह से अगर आपको कोड नहीं मिल रहा है तो वो कोड आप ले सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी जा कर के देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आपको कोड रिसीव नहीं होता है उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपके फ़ोन नंबर के अंदर रिचार्ज ना हो इस वजह से भी कोड नहीं आता है, या फिर आपका मोबाइल नंबर जो है वो खो गया हो बंद हो गया हो और आप सोच रहे हो कि भाई कोड क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी आप चेक करेंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पर जो है वो अकाउंट बना है वो आप ही के पास है या नहीं। जब वो OTP आता है तो वहाँ पर 4 डिजिट दिखाए जाते हैं कि इस नंबर पर हमने इस OTP को सेंड किया है, तो आप ये चेक करेंगे कि आपके पास में वो कौन सा मोबाइल नंबर है जिसमें लास्ट के 4 डिजिट ये वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको चेक करनी है, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करा लीजिए, नंबर कहीं और है तो उसको जो है आप अपने पास लेकर के आएंगे और मोबाइल के अंदर डालेंगे उस पर कोड आ जाएगा, और अगर आपके पास में नंबर है सारी चीज़ें रिचार्ज भी है उसके बाद भी कोड नहीं आ रहा है तो आप वो वीडियो देखिए जा करके जिसको मैंने आपको बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें तरीका बताया गया है कि अगर कोड रिसीव नहीं हो रहा है तो कोड इस तरह से रिसीव हो जाएगा, तो उस वीडियो को देख लीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।